हमारा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है इंडिया में खाना खाने का, और इस स्टाइल में थोड़ा सा आयुर्वेदा है, थोड़ी सी विजडम ऑफ द एजेस है, थोड़ी सी कॉमन सेंस है. तो एक चीज मैं देख रहा हूँ आजकल, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे कुछ साल पहले, थोड़े से, तो ये फ्रोजन फूड्स जो हैं, नॉन सीजनल फूड्स जो हैं, बॉटल फूड्स जो हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, ये हमारे पास हमारी डाइट में नहीं होते थे. और नहीं होते थे मतलब कंप्लीटली एब्सेंट थे हमारी डाइट से, इंक्लूडिंग समथिंग लाइक केचप, जो आज इतना टेकन फॉर ग्रांटेड है. हमारे घर में केचप नहीं हुआ करता था रूटीन में, तो क्योंकि हम हर रोज सुबह उठ के जो सब्जी वाला इंग्रेडिएंट्स लेके आता था अपनी सब्जी की रेडी पे, जो सीजनल प्रोड्यूस है, बिल्कुल जो गर्मी में गर्मी की चीजें, सर्दी में सर्दी की चीजें, जो वो फ्रेश प्रोड्यूस लेके आता था वो खरीद के उसे पकाया जाता था, और वैरायटी बहुत थी. तो अगर हम लिस्ट बनाए, और मैं और मयूर पहले लिस्ट बना रहे थे, 126 ऐसी सब्जियां और वेजिटेबल्स वगैरह थी, रूट्स, शूट्स, लीव्स, जो हम खाया करते थे ऑन अ रूटीन बेसिस. आज की डेट में वही 126 की जो लिस्ट मेरे घर में है, दैट इज बीन रिड्यूस्ड टू 17. तो 17 किस्म की सब्जियां हम मेरे घर में आज की डेट में खाते हैं, और मैं अदरक लहसुन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजर सब्जियों की बात कर रहा हूँ. तो 126 की लिस्ट अब निकल के 17 पे आ गई है, 126 130 के आसपास लिस्ट अब 17 पे आ गई है. तो ये एक डायटरी चेंज है जो बहुत रेडिकल है हमारे देश में, और ये बिल्कुल पिछले 30-40 साल में ये चेंज एकदम से ऑनसेट हुआ. तो हमारे टाइम पे जैसे स्कूल में, जो मेरे स्कूल में, जैसे आई एम फ्रॉम मॉडर्न स्कूल इन दिल्ली, तो मेरे स्कूल में हमारे बैच में करीब 150 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से शायद एक या दो ओवरवेट, या जिसको क्लिनिकली ओबीस बोलते हैं आजकल, ऐसे बच्चे थे. एंड दे वर प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन दैट दे वर नॉट एबल टू, दैट दे वर पुटिंग ऑन सो मच वेट. आज की डेट में 32% बच्चे जो हैं वो क्लिनिकली ओबीस हैं, एंड ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है. तो ये खाने पीने का जो तरीका है हमारा, ये इसको रीथिंक करने की बहुत बड़ी जरूरत है इंडिया में, क्योंकि ये वेस्ट का जो तरीका है कि उनके देश में इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं कि जहां बर्फ है वहां पे सब्जियां नहीं उगेंगी, तो बॉटल कर लो, प्रिजर्व कर लो. हमारे देश में ये सब संस्कृति नहीं है. हमारे देश में ताजा सीजनल खाना खाने की आदत है. हम लोग अचार वगैरह बहुत कमाल बनाते हैं, बहुत कमाल की चीजें बनाते हैं. फर्मेंटेशन हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है. वैरायटी ग्रेन्स जैसे बाजरा, रोटी, आटा, ये हमारी वे ऑफ लाइफ है. तो जब हम ये वैरायटी चालू रखेंगे खाने में, इससे अच्छी डाइट नहीं हो सकती. तो अगर मैं सबको छोड़ के सिर्फ इंडियन फूड, रूटीन इंडियन फूड जो एक गांव में या छोटे शहर में लोग रेगुलरली हिंदुस्तानी खाना जो खाते हैं, अगर मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊं, तो ये बहुत बढ़िया डाइट रहेगी. और ये मैं कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा कि वेजिटेरियनिज्म इज द सोल्यूशन, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मीट का शौकीन हूँ. चिकन, मटन, पोर्क, लैम, सब मुझे खाने का बहुत शौक है, और मैं खाता हूँ रूटीनली, स्पेशली सी फूड. तो इससे प्रोटीन्स वगैरह आते हैं. सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपकी डाइट एक किस्म की हो. आप मीट खाएं, सब्जी खाएं, जो भी आप खाते हैं उसे मॉडरेशन में, उसे ताजा, उसे अच्छे तरीके से और सीजनली देके खाएं, तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा. थैंक यू. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स लुक अप टू यू एंड फॉलो यू, एंड उनको भी पता होना चाहिए कि यस, वी डू टॉक अबाउट, यू नो, यम्मी डिलीशियस फूड्स, लेकिन हमारे जो वैल्यूज हैं इंडिया में, दैट इज फ्रेश प्रोड्यूस, एंड इवन थिंग्स लाइक, यू नो, एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. Actually, India is a place where all of this stuff is indigenous. So for us, it actually is a part of our culture. But thank you so much for saying that. That's a great message for the kids. Thank you.